नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, यदि प्यार आपका आपसे रूठ गया है, नहीं करता है वो आपसे बातें और नहीं संपर्क जोड़ना चाहता है अब वो आपके साथ, तो चलिए, छोड़ते नहीं है उसे अपने हाल पर, उसे लाते हैं अपने पास फिर से। आइए सीखते हैं एक छोटा सा अद्भुत चमत्कारिक लव वशीकरण। यदि प्रेमी मुंह मोड़ रहा है आपसे, नहीं जुड़ना चाहता आपसे और नहीं मुड़ना चाहता है अब आपकी दिशा में, यदि बदल रहा है वो अपनी राह, अब आपकी दिशा से वो दिशाहीन हो रहा है, चलिए उसे फिर से लाते हैं अपने प्यार की राह पर। सब कुछ ठीक चल रहा था, अपने विवाह की बात जो छेड़ दी और जिम्मेदारियों से बचना चाहता है आपका पार्टनर। एक लंबे समय से यह रिश्ता सही से संचालित हो रहा है और अब आपका प्यार धीरे धीरे आपसे रूठ रहा है। छोड़ रहा है वो आपका दामन और अब आपका भी संयम टूटता जा रहा है। अब नहीं है हालात कंट्रोल में, क्योंकि ये रिश्ता अब खत्म होने की कगार पर है। एक फोन ही माध्यम है जिसके सहारे आप दोनों संपर्क स्थापित करते हैं, बातें करते हैं, परंतु अब ब्लॉक कर दिया है उसने आपको फोन पर भी। न मिलना चाहता है आपसे, न जुड़ना चाहता है, परंतु आपके मन में केवल आपका पार्टनर ही है। आप अपने लव पार्टनर को ही अपना जीवन साथी चुनना चाहते हैं, तब करें यह छोटा सा अद्भुत प्रयोग। हाँ, मैं कहती हूँ कि बस थोड़ा सा नमक। यदि आपने थोड़ा सा नमक इस मंत्र के साथ यहाँ डाल दिया, फिर देखेंगे कैसे मिलता है आपको दाम्पत्य सुख, कैसे आपका प्यार आपकी बोली बोलेगा, हर बात मानेगा वो तुम्हारी, करेगा वही जो आप चाहते हैं। चलिए सीखते हैं एक छोटा सा लव वशीकरण। थोड़ा सा नमक सिर्फ उसका नाम लेकर यहाँ डाल दे और फिर देखें क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। समझ कर करें, सीख कर करें, किसी दिन करना है ये, किस मंत्र का जप करना है, और फिर देखें कैसे शुक्र बलवान होता है आपका, शनि सुधरता है आपका। हर बात मानेगा वो आपके पीछे पीछे आएगा, करेगा वही जो आप चाहते हैं। यदि पति है वो आपका, विवाह हो चुका है परंतु अब नहीं सुनता है वो आपकी, नहीं पसंद करता है वो आपको, आप मायके जाती हैं वो लेने नहीं जाता, आपकी जिम्मेदारियां नहीं उठाता, आपसे प्रेम नहीं करता, तब करें यह अद्भुत चमत्कारिक छोटा सा लव वशीकरण। यदि पत्नी है वो आपकी और इस जिम्मेदारी से अब बचना चाहती है, बार बार मायके चली जाती है या नहीं करती वो आपसे प्रेम, इस रिश्ते को अब वो आगे नहीं बढ़ाना चाहती, तब करें यह छोटा सा चमत्कारिक लव वशीकरण। केवल उसका नाम लेकर थोड़ा सा नमक यहाँ डाल देने मात्र से आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी लव लाइफ बदल जाएगी। फोन कॉल ही एक माध्यम है आप दोनों के बीच संपर्क स्थापित करने का, और अब कर दिया है उसने फोन पर आपको ब्लॉक हमेशा के लिए। जहाँ आपके एक कॉल के लिए वो घंटों इंतजार करता था, अब उसने ब्लॉक कर रखा है कि कहीं आपसे संपर्क ना बन जाए। तब ऐसे सिचुएशन में पार्टनर 5 मिनट के भीतर करेगा आपसे संपर्क, करेगा आपको कॉल। हैरान रह जाएंगे आप, देखते रह जाएंगे आप, और ऐसा बदलाव आएगा आपके जीवन में। आइए प्रारंभ करते हैं लव वशीकरण। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, इस उपाय के लिए आपको चाहिए अपनी मुट्ठी से नाप कर 5 मुट्ठी नमक, एक बड़े साइज का नींबू जिसका आधा भाग ही आपको चाहिए, शेष आधा भाग की आवश्यकता
नहीं है, अर्थात आधा नींबू काटकर। दिन केवल और केवल शनिवार का हो। आप अपने शरीर में पहनने के लिए जब वस्त्रों का चुनाव करें तो उसमें काला वस्त्र ना पहने। किसी भी रंग का वस्त्र आप पहन सकते हैं, परंतु लाल और काले रंग से दूर रहें। एक आसन या कपड़ा जिस पर बैठकर यह प्रयोग आप करेंगे और वह भी लाल या काला नहीं होगा। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें। सूर्योदय से पहले सोकर उठें, स्नानादि से निवृत्त हो जाएं, पूजा पाठ कर लें, मन को शांत कर लें, अपनी ऊर्जाओं को एकाग्र कर लें, अपने इष्ट को जप लें। जैसे भी आप अपनी पद्धति से पूजा पाठ करते हैं कर लें और हनुमान जी को जप लें। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके आप एक आसन लगाएं, आसन पर बैठ जाएं, सामने धूप जला दें। आधा नींबू काटकर एक पात्र में रखें और अपने सामने इस प्लेट को रख दें जिस पर हाफ नींबू हो। एक अलग पात्र में 5 मुट्ठी नमक रख लें। आपको नमक वाले पात्र पे अपने दाहिने हाथ के दूसरे नंबर की जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर जो है, उसे डालना है। नमक के भीतर अपने इंडेक्स फिंगर को डालें, आंखें बंद करें, स्मरण करें अपने पार्टनर का, 7 बार उसका नाम लें। नाम लेने के बाद उसकी अनुभूति करें। देख पा रहे हैं आप उसे, मानो महसूस कर पा रहे हैं, वह आ रहा है आपके पास, वह रह रहा है आपके साथ, आप दोनों के बीच अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है और सब कुछ ठीक है। ऐसा देखने का प्रयास करें, ऐसा महसूस करने का प्रयास करें। और जब सब कुछ ठीक दिखाई देने लगे, सब कुछ सही से महसूस होने लगे, मानो पूर्ण रूप से वह आपके साथ है, आपके पास है, तब आपको कहना है त्रीम। यह एकाक्षरी मंत्र त्रीम आपको 108 बार बोलना है, लेकिन बोलने के दौरान थोड़ा थोड़ा नमक आपको इस नींबू के ऊपर छिड़कना है, डालना है। धीरे धीरे संपूर्ण नींबू नमक से ढक जाएगी। जब नींबू दिखाई ना देने लगे, मंत्र जप के बाद आप उठ सकते हैं। संपूर्ण नमक और नींबू को आप किसी भी बड़े पेड़ के नीचे ले जाकर दबा दें। इस बात की चर्चा ना करें किसी से, किसी से बातें ना करें, और फिर देखें कैसे आपका प्यार गुलामी करेगा आपकी, पीछे पीछे आएगा वो, आपके हर बात मानेगा और रहेगा आपके वश में। इस छोटे से लव वशीकरण में अपार सफलता है। अवश्य करें, समझें, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।